पीएम मोदी ने दावा किया कि न्यू इंडिया के हर घर में बिजली का कनेक्शन होगा। पिछले 3 वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लगभग 2 गुना कर दिया गया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से कांग्रेस असहज हो गई है। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक मोदी सरकार बस योजनाओं के नाम बदल रही है। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक मोदी सरकार बस योजनाओं के नाम बदल रही है। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया। यूएन में भारत ने शहीद उमर फैयाज की तस्वीर दिखाकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। Permanent representative of Pakistan misled this assembly by displaying this picture to spread falsehoods about India. सेना प्रमुख बिपिन रावत के मुताबिक जरूरत पड़ने पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। Required, and if the adversary does not behave, then if we have to continue with these kind of activities and events. अमेरिकी रक्षा मंत्री मैटिस ने कहा कि भारत अमेरिका के पास नई साझेदारी का ऐतिहासिक मौका है। तमिलनाडु सरकार ने जयललिता की मौत की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 20% कम शिकायतें मिली हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी दौड़ का फैसला। आर्थिक सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 40 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री ने बीएचयू के मामले में मुख्यमंत्री योगी से बात की। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि बीएचयू में छात्राओं के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए बीएचयू की जो लड़कियां हैं उनसे। बीएचयू में छात्राओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ भोपाल में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। बीएचयू विवाद पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि पढ़ाई को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मंदिर है शिक्षा का, सरस्वती माता का, जिसे राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। हनीप्रीत इंसा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने उसके दिल्ली में होने का दावा किया। हनीप्रीत के दिल्ली में होने की खबर दिल्ली और हरियाणा पुलिस को नहीं है। रेप के दोष में जेल में बंद राम रहीम ने विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। म्यांमार सेना ने रखाइन में 17 और हिंदुओं की कब्र मिलने का दावा किया। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने रोहिंग्या मुस्लिमों को देश के लिए खतरा बताया है। साध्वी प्राची ने कहा कि भारत में घुस रहे रोहिंग्या मुस्लिम किसी आतंकी से कम नहीं है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री के मुताबिक ट्रंप ने उनके देश पर युद्ध घोषित कर दिया। ब्राइन के रीजनल हेड और एचआर हेड को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बगावती सुर के लिए टीएमसी ने मुकुल रॉय को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। मुलायम सिंह के नई पार्टी नहीं बनाने के फैसले का अखिलेश यादव ने स्वागत किया। दिल्ली में अमित शाह ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बेनामी संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसीबी ने 23 जगह छापेमारी की।
विजयवाड़ा से छापेमारी में 19 करोड़ नकदी और सोने हीरे के जेवर बरामद किए गए। फेडरर की अगुवाई वाली यूरोपियन टीम ने पहले लेवर कप का खिताब जीता। SBI ने बचत खाते में न्यूनतम राशि की सीमा 5,000 से घटाकर 3,000 की। लंदन में लाइसेंस रिन्यू ना होने पर उबर CEO ने गलती के लिए माफी मांगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर फर्जी खबरों को लेकर ओबामा ने ज़करबर्ग को जिताया था। दिल्ली में अगले साल 9 से 14 फरवरी तक ऑटो एक्सपो आयोजित किया जाएगा। उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच जापान के PM आबे ने मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया। यूपी के शाहजहांपुर की नगर पंचायत रोजा में सोलर लाइट में करोड़ों का घोटाला सामने आया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में एक शिक्षक गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में नर शावक की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप। संजय निरुपम ने वन मंत्री रविंद्र वायकर के संबंध हवाला कारोबारी से होने का आरोप लगाया। सरकारी मंत्री लोग बड़े बड़े व्यापारियों के माध्यम से क्या अपना पैसा वाइट करके बैठे हैं, ये छानबीन होनी चाहिए, इसलिए हमने ये सवाल उठाया। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे कार्ति चिदंबरम की 1,16,00,000 की संपत्ति जब्त। जेटली मानहानि केस में DDCA की बैठकों को समन करने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पनीर सेल्वम और 12 समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की गई। लालू यादव CBI के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। रेप के आरोप में बंद फिल्म पीपली लाइव के निर्देशक महमूद फारूकी कोर्ट से बरी। रायपुर में आयकर विभाग ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के भाई के ठिकानों पर छापेमारी की। ग्वालियर से अश्लील वीडियो बनाकर डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पकड़ा गया। बिहार के छपरा में छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। बिहार के छपरा में पुलिस ने पोल्ट्री फार्म से अवैध शराब बरामद की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पति की हत्या के आरोप में एक महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिन दहाड़े एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में जूनियर इंजीनियर के यहां छापेमारी में 20 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली। दिल्ली पुलिस ने 4 किलो हेरोइन और 10 किलो OPM ड्रग के साथ 2 को गिरफ्तार किया। MP में देवास के कृष्णाजी राव यूनिवर्सिटी में NSUI और ABVP छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। NSUI और ABVP की झड़प में कई छात्राएं भी घायल हो गईं और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश के NSUI और ABVP की झड़प में कई छात्राएं भी घायल हो गईं और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा परिक्रमा के लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त सुरक्षा मांगी है। दिग्विजय सिंह ने पुलिस मुख्यालय को खत लिखकर DSP रैंक के अफसर की मांग की है। ग्वालियर में एक छात्रा ने मां के शक करने से परेशान होकर किले से कूदकर खुदकुशी कर ली। हिमाचल के हमीरपुर में एक दुकानदार की पत्नी ने प्रेमिका की सरेआम पिटाई कर दी। पटना के PMCH अस्पताल। यूपी के रामपुर में आग लगने के बाद युवक ने चलती बाइक में कूदकर अपनी जान बचाई।
लुधियाना में एक धर्मशाला को खाली कराने के दौरान पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा है। एड्स पर जागरूकता के लिए पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के छपवाए पर्चों पर विवाद हो गया। पीएसएसीएस के छपवाए पर्चों में एड्स फैलने की दकियानुसी वजहें बताई गई हैं। इलाहाबाद के सिविल लाइन इलाके में बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। राहुल गांधी ने बीएचयू की घटना पर पीएम मोदी से माफी मांगने की कहा। मुंबई पुलिस ने भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर सट्टेबाजी लगा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने सट्टेबाजों के पास से लाखों रुपए, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। विरोध के बावजूद सोमवार को इराक के कुर्द क्षेत्र में जनमत संग्रह के लिए वोट डाले गए।